सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिजनेस एनालिटिक्स के जॉब के बारे में। अभी यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मैं आपको जॉब बता रहा हूँ। यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स 1 यहाँ पे 5 लाख का पैकेज है और बिजनेस एनालिसिस 2 यहाँ पे 7.15 लाख का पैकेज है और वर्क एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर है। मतलब यहाँ पे वैकेंसीज बहुत है और वर्क एक्सपीरियंस बहुत कम चाहिए और सैलरी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे और एक चीज़, कुछ जगह आपको इंजीनियर होना इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह नॉन इंजीनियर भी चल जाते हैं, कुछ जगह आपको सिर्फ CSIT चलेगा, कुछ जगह आपको कोई भी ब्रांच हुई तो भी आपको वो ले लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं गिरती है, मैक्सिमम केसेस में कोडिंग की ज़रूरत नहीं गिरती है, इसलिए आप जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, डजंट मैटर। और देखा जाए तो अब यहाँ पे जॉब भी बहुत आ रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स बहुत जॉब निकाल रहे हैं, MNC तो पहले से निकालती है। और आज मैं यहाँ पे आपको अमेरिकन टूरिस्टर, एसेंचर, कंटार जैसी जो बहुत बड़ी MNCs है और कुछ स्टार्टअप्स जो आपको मिनिमम 4 to 5 लाख का पैकेज देते हैं, उनकी बात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं जॉब एनालिस्ट पे हर रोज एक वीडियो लाने का ट्राई करूंगा अगर आपको ये नीश पसंद आती है तो। और ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेडिकेटेडली बिजनेस एनालिस्ट के लिए जो है यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे जगह पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बट वो लिमिटेड ऑप्शंस है, उनके कोर्सेज करने पड़ते हैं और तब जाके जो है आपका वहाँ पे प्लेसमेंट हो पाता है। बट यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड जॉब्स है आपकी तरफ आते रहेंगे। और स्टार्ट करता हूँ मैं पहले जॉब अपॉर्चुनिटी के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कंटार की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस 1 और 2 के लिए वैकेंसीज निकली है। ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप बाकी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे 5 जॉब्स बताने वाला हूँ, उसमें सबसे पहला जो है बिजनेस एनालिसिस 1 और 2 की यहाँ पे वैकेंसी है। अब 1 और 2 में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। यहाँ पे BE BTEC 2021 का जो है अगर पास आउट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर बिजनेस एनालिसिस 2 जो यहाँ पे दो सेकंड वाली वैकेंसी है, बिजनेस एनालिसिस 2 यहाँ पे आपको जो है Tier 1 कॉलेज से होने चाहिए आप। अगर बिजनेस एनालिसिस 1 के लिए अप्लाई करना है तो प्रीमियम कॉलेज नहीं होगा तो भी चल जाएगा, नॉर्मल कॉलेज से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन बैंगलोर है और बिजनेस एनालिसिस 1 के लिए 5 लाख का पैकेज है और बिजनेस एनालिसिस 2 के लिए 7.15 लाख का पैकेज है। ओके, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट मैं इसेंशियल स्किल्स पे जाऊँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिक स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स विथ नॉलेज ऑफ टूल्स लाइक एक्सेल, SAS, SPSSR, PowerPoint, etc. ये जो है प्रिफर किए जाएंगे। अब आपको यहाँ पे डर लग रहा होगा ये SAS, SPSS और ये R क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये टूल्स हैं। जैसे आप पे एक्सेल, PowerPoint जैसे टूल है, वैसे एनालिटिक्स के टूल्स रहते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे बहुत ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऑल ब्रांचेस BE BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले बोला था हर एक ब्रांच के लिए एलिजिबल है, इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो एसेंशियल नॉलेज और स्किल्स में। ओके, तो ये चीज़ें आप पढ़ के इसको अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये आपको फिल करना है और इसको सबमिट कर देना है। तो अभी नेक्स्ट वैकेंसी पे आते हैं। ये जो है एसेंचर की तरफ से बिजनेस ऑपरेशन एनालिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम जहाँ पे आपको बिजनेस एनालिसिस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए हमेशा वैकेंसी रहती है, कुछ कुछ यहाँ पे MBA पूछा जाता है, बट यहाँ पे आपको फिर से जो है एक अच्छी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन और ये कमिटमेंट फॉर यू और ये चीज़ें देख सकते हो। बट मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी जो अपना फ्रेशर से जो ग्रेजुएट हो चुका है इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने कुछ दिए नहीं है, क्वालिफिकेशन दी है NA, यानी कि आप ग्रेजुएट हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4.5 का पैकेज देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको इंटरफेस INC की तरफ से फुल टाइम का यहाँ पे चांस मिलता है। हालांकि यहाँ पे रिमोट जॉब है, मतलब वर्क फ्रॉम होम का है, और यहाँ पे आपको जो है ये जॉब पोजीशन देखने के लिए मिल जाती है बिजनेस एनालिस्ट के, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी यहाँ पे MBA पूछा जाएगा, यहाँ पे MBA इज गुड टू हैव बट नॉट मैंडेटरी। देखो, आपके पास MBA होगा तो अच्छा है, नहीं है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि AI और बैंकिंग से रिलेटेड है और आप जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। एक्सट्रीमली सेल्फ मोटिवेटेड, एबिलिटी टू लर्न क्विकली, ग्रोथ माइंडसेट, रीड दिस इफ यू डोंट नो व्हाट इट मींस, और यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी, उसके बाद में पैशनेट अबाउट द पॉसिबिलिटीज, द इंटरसेक्शन ऑफ AI प्लस बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैंकिंग का इंटरसेक्शन जो है
वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको कर सकते हैं। ये स्टार्टअप है, यहाँ पे फिर भी आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा और शुड है मिनिमम 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस फ्रॉम टीयर टू इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे कंप्यूटर वाले जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने का। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जो वैकेंसी है ये आ रही है आपके लिए सेल्स बिजनेस ऑपरेशंस अगेन बिजनेस एनालिसिस। तो यहाँ पे आप जो है एनी ग्रेजुएट जो है इसको अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट इंटरव्यू ले भी है। और इसमें आपको अगर ये बताऊँ तो CSIT और MCA डिग्री आपकी चल जाएगी यहाँ पे, अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट का यहाँ पे जॉब करना है तो। यहाँ पे आपको एशिया स्पेसिफिक इंडिया और ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे जॉब लोकेशन है ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पे जो है आपको 2 to 5 years एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पे कुछ जगह पे एक्सपीरियंस पूछा जाता है, कुछ जगह पे नहीं, जो पहले वैकेंसीज बताई थी वहाँ पे कुछ आपको एक्सपीरियंस नहीं पूछा था। अब नेक्स्ट वैकेंसी पे आता हूँ, नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से बिजनेस एनालिस्ट की, यहाँ पे भी आपको जो है प्रीमियर कॉलेज पूछा जाएगा बट 0 to 3 years का एक्सपीरियंस है। इसमें आपको पूछा जाएगा SAS, SAS, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, लिंक जो मतलब आप जो है कमेंट कर देना। SQL, Python, मशीन लर्निंग, जो कि यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस से आई है, यहाँ पे आपको कोडिंग पूछी जाएंगी बट पहले जो जॉब पोजीशन बताई थी वहाँ पे आपको पूछा नहीं जाएगा। 0 to 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए विद बैकग्राउंड इन क्वांटिटेटिव बिजनेस एनालिस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड मॉडलिंग टेक्निक्स, एक्सपीरियंस इन डिजिटल एनालिटिक्स प्रेफर्ड, अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी कंपनीज है कुछ कुछ आपको पूछेंगी बट एसेंचर, उसके बाद में न्यू जो स्टार्टअप्स है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने पहला जो मुझे जॉब पोजीशन मैंने आपको बताई थी वो जॉब पोजीशन मुझे अच्छी लगी बिकॉज यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, प्रीमियर कॉलेज और नॉन प्रीमियर। नॉन प्रीमियर से यहाँ पे 5 lakh का जॉब का आपको पैकेज देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जो लोगों को पता नहीं है, बिजनेस एनालिस्ट उसमें से एक है और बहुत सारे लोग इसको डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पे जो है एक वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर से। और कोई फील्ड है जहाँ पे आपको जॉब्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपको जो है वीडियो बना के दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।